हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई कोर्ट्स, और ये जो वीडियो है इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। बेसिकली ये जो पार्ट है इसमें हम हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जो है उनके ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है उसके बारे में भी एक नजर डालेंगे। उसके अलावा जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल एक्टिंग जजेस, रिटायर्ड जजेस, इन सबसे जुड़ी बहुत सारे प्रोविजन है, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। और जो एंड में है फाइनली हम इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो हमारे हाई कोर्ट है यानी कि जो जुडिशरी है उसके इंडिपेंडेंसी किस तरह से मेंटेन की जाती है उसके रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, तो शुरू करते हैं। द सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं, सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन, ये सारी जो है हमारे पार्लियामेंट डिटरमाइन करते हैं समय समय पर। ओके, टाइम टाइम पर ये चेंज होती रहती है, और ये जो फाइनल डिसीजन होता है या फिर डिटरमाइन जो करते हैं सैलरीज वो पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। ओके, दे कैन नॉट बी वैरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन को छोड़ के, ये एक सिचुएशन को छोड़ के, बाकी आप कहीं पे भी यानी कि कभी भी आप इनकी जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, ये रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, टू देयर डिसएडवांटेज, यानी कि कम नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। ओनली इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इट कैन बी रिड्यूस्ड। ओके, ये याद रखें। In 2017, the salary of Chief Justice was increased to 2,50,000 per month and that of a judge to 2,25,000. 2017 में जो सैलरीज इंक्रीज की गई थी 2,50,000 हो गया था आपके चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट्स के, और साथ ही साथ जो अदर जजेस होते हैं उनका सैलरी 2,25,000 इंक्रीज की गई थी। ओके, दे आर ऑल्सो पेड सम्पटरी अलाउंसेस एंड प्रोवाइडेड विद फ्री एकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटीज लाइक मेडिकल, कार, टेलीफोन एक्सेट्रा। तो इन्हें कुछ और सम्पटरी अलाउंसेस प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज, ओके, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, तो ये सारी तो एक्स्ट्रा मिलती ही हैं। ओके, the retired chief justice and judges are entitled to 50% of their last earned salary as monthly pension। यानी कि जो भी रिटायर्ड हो जाएंगे हमारे चीफ जस्टिस और जजेस हाई कोर्ट्स के, उन्हें जो लास्ट सैलरी वो ड्रॉ कर रहे थे उसका 50% एज पेंशन मिलता है मंथली। ओके, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ जजेस, ट्रांसफर से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है जानना। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वही ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे हाई कोर्ट के जजेस को। ओके, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, ऑन ट्रांसफर ही इज एंटाइटल टू रिसीव इन एडिशन टू हिज सैलरी सच कंपेंसेटरी अलाउंसेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि जब ये ट्रांसफर की जाती है इनके लिए कुछ कंपेंसेटरी अलाउंसेस दिए जाते हैं, कंपेंसेशन दिए जाते हैं। ओके, और वो जो कंपेंसेशन का जो अमाउंट होगा वो डिटरमाइन करेंगे हमारे पार्लियामेंट। ओके, जैसे पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे उस हिसाब से उतना अमाउंट उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। In 1977, the Supreme Court ruled that the transfer of High Court judges could be restored to only as an exceptional measures and only in public interest and not by way of punishment. यानी कि 1977 में Supreme Court ने ये decision दिया कि जो transfer होता है judges का, okay, that can be done only in case of exceptional measures. Okay, वो एक exceptional measures के तौर पर किया जाता है। Okay, extraordinary situation के हिसाब से आप उसे transfer कर सकते हैं, लेकिन इसे एक पनिशमेंट के तौर पे नहीं लिया जा सकता। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव का यानी कि या फिर कहें हम प्रेसिडेंट का और सीजेआई का कोई खुद के इश्यूज के हिसाब से उन्हें अगर कोई किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या फिर जजेस को एज ए पनिशमेंट के तौर पर कहीं पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते, और सिर्फ ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट में ही इनका ट्रांसफर किया जा सकता है। अगेन इन 1994 ये कहा गया कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द जुडिशियल रिव्यू इज नेसेसरी टू चेक आर्बिट्रेनेस इन ट्रांसफर ऑफ जजेस। यानी कि इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकती है ट्रांसफर ऑफ जजेस के ऊपर। ओके, बट ओनली द जज हु इज ट्रांसफर कैन चैलेंज, और इसमें जो है कोई दूसरा उनके तरफ से चैलेंज नहीं कर सकता या फिर अपील नहीं कर सकता। ओके, फॉर जुडिशियल रिव्यू जिन्हें जो पर्टिकुलर जज जिन्हें ट्रांसफर की गई है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यानी कि वन हाई कोर्ट टू अनदर, सिर्फ वही अगर चाहें अगर चैलेंज करें तो इन दैट केस इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। ये डिसीजन आया था 1994 में। इन द थर्ड जजेस केसेस जो कि 1998 में आया था उसमें ये कहा गया द सुप्रीम कोर्ट ऑपाइन दैट इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर के केस में जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे ये कंसल्ट करेंगे इन एडिशन टू द कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स। ओके, तो देखिए
ये जो कंपनी ट्रांसफर प्रोसेस है इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस ऐड किए गए थे, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे इन द थर्ड जजेस केसेस, और उसमें ये कहा गया कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस होगा जजेस के ट्रांसफर के लिए वहाँ पे किन किन को कंसल्ट किया जाएगा। पहला जो है चीफ जस्टिस को तो ऑब्वियसली आप कंसल्ट करेंगे ही, साथ ही साथ कॉलेजियम को भी कंसल्ट करना पड़ेगा विच में कंसिस्ट ऑफ फोर सीनियर मोस्ट जजेस, जहाँ पे कि जिस ग्रुप में कि फोर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही साथ जो है दो चीफ जस्टिस रहेंगे हाई कोर्ट्स के, ओके दो सॉरी जो एक चीफ जस्टिस रहेंगे किसी दो हाई कोर्ट्स के, यानी कि जहां से आप ट्रांसफर हो रहे हैं जिस पर्टिकुलर स्टेट से जा रहे हैं और जो उनसे स्टेट को आप ट्रांसफर हो रहे हैं, ओके तो उन्हीं दो रेस्पेक्टिव स्टेट्स के जो चीफ जस्टिस होंगे उनको कंसल्ट करना भी जरूरी है, ओके तो ये जो डिसीजन था ये थर्ड जजेस केस में जो कि 1998 में आया था रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ओके तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस कैसे होते हैं, कौन होते हैं देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट पन। तो प्रेसिडेंट चाहे तो एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं किसी जज को हाई कोर्ट के, ओके कौन से सिचुएशंस में, ये तीन सिचुएशंस हैं, ये तीन केसेस में देखिए। पहला जो है द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज वैकेंट, यानी कि अगर चीफ जस्टिस के जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, देन इन दैट केस ए जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। सिमिलरली द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज टेम्पररीली एब्सेंट, टेम्पररीली ये अगर एब्सेंट है इन दैट केस ऑल्सो इट कैन बी पॉसिबल में, ओके द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। अगर कोई वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अगर हमारे जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो अपना ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, देन इन दैट केस ऑल्सो एन एक्टिंग चीफ जस्टिस कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, ओके और ये जो काम करेंगे ये हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। आगे बढ़ते हैं एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, ओके ये तो हो गया पहले जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसके साथ साथ जो कुछ एडिशनल और एक्टिंग जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, इनसे जुड़ी क्या क्या बातें हैं देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन ड्यूली अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड persons as additional judges of a high court for a temporary period not exceeding 2 years when, okay तो ये जो है एक्टिंग जजेस या फिर एडिशनल जजेस अपॉइंट होंगे ये सिर्फ अपॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए, उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ये अपॉइंट नहीं होंगे, ओके और इन्हें भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। और कौन से केसेस में ये हो सकता है देखते हैं। इफ़ देर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाउसिंग बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि देखिए हाई कोर्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन हो गया, ज़्यादा प्रेशर हो गया, बहुत सारे केसेस आ गए हैं और रिक्वायरमेंट है एडिशनल जजेस के, कुछ और जजेस के रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं, देन इन दैट केस प्रेसिडेंट खुद के पावर से वो उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, एडिशनल कुछ जजेस अपॉइंट कर सकते हैं। सेकंड जो है देर आर एररेस ऑफ वर्क इन हाई कोर्ट, ओके यानी कि जो है बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग वर्क बहुत सारे हैं और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ जजेस, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ जो हाई कोर्ट जजेस ये नहीं हो पा रहा है, ओके इसका इनका जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो जल्दी नहीं हो पा रहा है, देन इन दैट केस ऑल्सो एडिशनल जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे जुड़े, देखिए द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट ए ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज ए एक्टिंग जज, ये तो हो गया एडिशनल जजेस की बात। अब बात करते हैं एक्टिंग जजेस के ऊपर। तो एक्टिंग जजेस जो होंगे वन जज ऑफ द हाई कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस अगर एब्सेंट है या फिर कोई अदर रीजन की वजह से वो अपना ड्यूटीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ओके तो इन दैट केस एक्टिंग जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा जो है अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्पररीली एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, यानी कि जो एक्टिंग जजेस होंगे उन्हें टेम्पररीली टाइम पीरियड के लिए चीफ जस्टिस के हिसाब से भी आप अगर कोई जजेस को एज ए देखिए अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिस केस में कि किसी पर्टिकुलर जज को आप चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस के हिसाब से अपॉइंट करते हैं, देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर जज का जो पोजीशन होगा वो खाली हो जाएगा, वो सीट खाली हो जाएगा, वैकेंस हो जाएगा, सो उसी जगह पे आप एक एक्टिंग जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये दो सिचुएशंस याद रखें। आगे बढ़ते हैं एन एक्टिंग जज होल्ड ऑफिस अंटिल द परमानेंट जज रिज्यूम्स हिज ऑफिस, यानी कि ये कब तक अपना ऑफिस कंटिन्यू करेंगे एक्टिंग जज जो होंगे ये मैक्सिमम उतने टाइम तक जितने टाइम तक कि जो परमानेंट जज होंगे एज्यूम नहीं कर लेते अपना ऑफिस, यानी कि फिर से अपना ऑफिस रिस्टार्ट नहीं कर लेते, रिज्यूम नहीं कर लेते, ओके बट जो हमारे एडिशनल जजेस होंगे वो मैक्सिमम 2 ईयर्स रहता है उनका टेनर, उससे ज़्यादा वो नहीं रह सकते एडिशनल जजेस की पोस्ट में। However, both the additional or acting judges cannot hold office after attaining the age of 62 years. एक और condition, most important, जैसे कि हमने देखा था कि जो maximum age limit होता है वो 62 years होता है high court के judges के लिए, तो उसी तरह जो acting और additional judges भी होते हैं उनका भी maximum time period होता है 62 years, उसके beyond ये office hold नहीं कर सकते, okay? या फिर acting और additional judges के हिसाब से काम नहीं कर सकते। आगे retired judges से क्या क्या जुड़ी provisions हैं देखते हैं उससे regarding। पहला जो है एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट कैन रिक्वेस्ट ए रिटायर्ड जज ऑफ दैट हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट फॉर अ टेम्पररी पीरियड, यानी कि अगर कोई जज रिटायर्ड हो चुके हैं
ओके okay. तो उन्हें भी अपॉइंट किया जा सकता है एज एन एक्टिंग जज या फिर काम करने के लिए जजेस के हिसाब से, अगर वो जो पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहें तो. ओके okay? तो अगर चीफ जस्टिस चाहें तो उसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर कोई दूसरे स्टेट के जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उन्हें टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए भी अपॉइंटमेंट दे सकते हैं टू एक्ट एज जजेस. ही कैन डू सो ऑनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो ऑफ द पर्सन सो अपॉइंटेड. यानी कि ये जो हमारे चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट करेंगे रिटायर्ड जजेस को फिर से, तो ये उन्हें अगर अपॉइंटमेंट देना है तो पहले कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, ओके राष्ट्रपति जी का, और साथ ही साथ जो जिसे अपॉइंट करने वाले हैं उस पर्टिकुलर जज को कभी कंसल्ट करना पड़ता है. ओके okay? सच जज इज एंटाइटल टू अलाउंसेस एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन. तो इन दिस केस जो क्या होगा, तो इस केस में जो हमारे राष्ट्रपति जो भी सैलरी डिटरमाइन करेंगे या फिर अलाउंसेस डिटरमाइन करेंगे उस पर्टिकुलर जज के लिए, रिटायर्ड जज जो कि अपॉइंट हुए हैं उनके लिए, तो उसके हिसाब से उनको मिलेगा. ओके सो सच ए टाइप ऑफ जज इज एंटाइटल टू सच अलाउंसेस एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे. ही विल ऑल्सो एंजॉय ऑल द जुरिसडिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ अ जज ऑफ हाईकोर्ट. यानी कि हाईकोर्ट के जो भी जजेस जो भी पावर्स जुरिसडिक्शन प्रिविलेजेस जो भी एंजॉय करते हैं वो सारे इन्हें मिले सारा का सारा. ओके बट ही विल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी जज ऑफ दैट हाईकोर्ट. यानी कि ये रिटायर्ड जज के हिसाब से काम करेंगे, यानी कि रिटायर्ड होके भी ये जज के पोस्ट होल्ड करेंगे, काम करेंगे, लेकिन इन्हें जज ऑफ दैट हाईकोर्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा. ओके लेकिन बाकी के जो जुरिस्डिक्शन पावर्स प्रिविलेजेशन सारे एंजॉय करेंगे, सारी अलाउंसेस भी मिलेगी इन्हें. ओके बाकी सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो एज इट इज रहेंगे. ओके बट ही विल नॉट बी डीम्ड टू बी जज ऑफ दैट हाईकोर्ट. ओके आगे बढ़ते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ हाईकोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके और कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं बहुत जो कि हमारे जो जुडिशरी है यानी कि हाईकोर्ट की है उसका इंडिपेंडेंसी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी बन जाते हैं. ओके तो इसके ऊपर एक ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या है. इंडिपेंडेंस ऑफ ए हाईकोर्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज असाइन टू इट. यानी कि हाईकोर्ट को अपना काम ठीक तरीके से करने के लिए उनका उसका इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी होता है. एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी ही वो रहेगा तभी सारा का जो काम है सारा कुछ वो इफेक्टिवली फंक्शनिंग कर सकता है. इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनक्रोचमेंट प्रेशर एंड इंटरफेरेंस. बाहर का प्रेशर, बाहर का एनक्रोचमेंट या फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए एग्जीक्यूटिव का खास करके एंड द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई भी प्रेशर, कोई भी दबाव या फिर कोई भी कंट्रोल उनके ऊपर नहीं होना चाहिए. ओके एंड इट शुड बी अलाउड टू डू जस्टिस विदाउट फियर और फेवर. बिना कोई डरे, बिना किसी को फेवर किए अपना जस्टिस डिलीवर करने का इनके ऊपर पूरा पूरा इंडिपेंडेंसी होना चाहिए. ओके The Constitution has made the following provisions to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the House. ये कुछ provisions बनाए गए हैं by the Constitution of India ताकि जो High Court है वो effectively काम कर सके, independently और impartially अपना functioning कर सके. Okay, तो क्या है वो सारे provisions एक एक करके discussion करेंगे. देखिए सबसे पहले ये तीन देखिए, mode of appointment, security of tenure and fixed service condition. इसको detail में देखते हैं. पहला जो है द जजेस, अगर हम मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इन्हें जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द जुडिशियरी इटसेल्फ. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह इनके जो अपॉइंटमेंट से जुड़ी बातें हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है अपॉइंटमेंट के लिए. ओके तो जो कॉलेजियम सिस्टम होते हैं उसमें हमारे चीफ जस्टिस रहते हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं. यानी कि जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट करने के लिए, जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए जुडिशियरी से ही कंसल्ट करके आपको अपॉइंट करना पड़ेगा. यानी कि एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर खुद की मर्जी से उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है बिकॉज देखिए दिस प्रोविजन कटेल्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन. इस केस में आप डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं कर सकती अपना एग्जीक्यूटिव. ओके ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज एंश्योर्स दैट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आर नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन. अगर एग्जीक्यूटिव अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके खुद से ही अपॉइंटमेंट देती तो ये पॉलिटिकल पर्सन यानी कि जो उनको फेवर करेंगे, उनके फेवर में बोलेंगे, उनके फेवर में काम करेंगे, उनको ही ये अपॉइंट करती. बट ऐसा नहीं है और इस केस में जो है जुडिशियरी खुद चूज करती है अपना जो जजेस. ओके इसी वजह से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बन जाता है इनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड. ओके सो इन दिस केस इट कटेल्स द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन. ये जो है एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन को चलने नहीं देती एग्जीक्यूटिव का. ओके जुडिशियरी के ऊपर और इनका जो ऑर्गन से ये सेपरेट रखती है. सेकंड जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की अगर हम बात करें तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. इनका जो टाइम पीरियड है या फिर एक सिक्योरिटी इन्हें मिलता है अपने सर्विस का. दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ओनली इन द मैनर्स ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जो भी ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं उसके बेसिस पर ही प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकते हैं एंड नॉट इन अदर मैनर्स. ओके दिस मीन्स दैट दे डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट. बाकी के अगर हम हायर अथॉरिटीज देखें एग्जीक्यूटिव के, वो क्या होते हैं कि दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं. लेकिन दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ द जुडिशियरी. ओके हाईकोर्ट्स की अगर हम बात करें, हाईकोर्ट के जजेस की अगर हम बात करें, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ओके
दो दे आर अपॉइंटेड बाय हिम, दो हमें पता है कि प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं लेकिन ये उन्हें जब चाहे तब रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पूरा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पूरा जो एंटायर प्रोसेस है उसके थ्रू जाना पड़ेगा, ओके, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ओके, कंप्लीट होना। तो हमने उस प्रोसेस प्रीवियस वीडियो में उसमें उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, ओके। आप चाहें तो जो रिमूवल है हाई कोर्ट के जजेस के प्रोसेस का वो देख सकते हैं पिछले वीडियो में, ओके। नेक्स्ट जो है फिक्स्ड सर्विस कंडीशन की अगर हम बात करें, जो सैलरीज होती है, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, स्लीप, पेंशन, वो जो होता है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, अभी अभी हमने जैसे डिस्कशन किया। साथ ही साथ दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज, यानी कि उन्हें रिड्यूस भी नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा आप कभी भी उनका जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, वो रिड्यूस नहीं कर सकते, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं या फिर सैलरीज एंड अलाउंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर से चार्ज किया जाता है, ओके। जो स्टेट्स के पर्टिकुलर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से चार्ज किए जाएंगे, दस दे आर नॉन वोटेबल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ताकि उसके ऊपर जो है वोटिंग नहीं हो सकता, ओके। जो एनुअल वोटिंग होती है, ओके, उसके ऊपर, तो इस तरीके से हमें जैसे कि पता है जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती, दैट मीन्स इनके ऊपर ये जो इनके जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है उसके ऊपर भी आप वोटिंग नहीं होगी, ओके। द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। जो सैलरीज अलाउंसेस होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होती हैं, लेकिन जो पेंशन होते हैं हाई कोर्ट जजेस के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं, कि सेंट्रल फंड से ही चार्ज किए जाते हैं, ओके। फाइनल देखिए दूसरा जो है, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, जो भी प्रोसीडिंग्स करेंगे, जो भी अपना डिसीजन देंगे, जिस तरीके से भी काम करेंगे, उनके कंडक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता या फिर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती कहीं पे भी, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट प्रोहिबिट्स एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट और इन स्टेट लेजिस्लेचर, ना पार्लियामेंट में और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में आप इनके जो कंडक्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, ये किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से अपना डिसीजन दे रहे हैं, उसके ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। बस एक ही कंडीशन है उस टाइम के, उस एक ही सिचुएशन है, उसी दौरान ही ये डिस्कशन की जा सकती है, और वो है जो है हमारे इम्पीचमेंट मोशन। जब भी इम्पीचमेंट मोशन अगर अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, देन इन दैट केस ओनली आप डिस्कशन कर सकते हैं इनके कंडक्ट के बारे में, ओके। ओनली दिस इज द केस व्हेन द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन बी डिस्कस्ड। आगे बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद इनके जो प्रैक्टिस को बैन किया गया है, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए द रिटायर्ड परमानेंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर अदर किसी हाई कोर्ट के अलावा ये किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इनके ऊपर ये प्रैक्टिस के ऊपर बैन लगाया गया है। ये क्यों क्या है, दिस इज बिकॉज दिस एंश्योर्स दैट दे डू नॉट फेवर एनीवन इन द होप ऑफ फ्यूचर फेवर, यानी कि किसी को उनके सर्विस टेन्योर के दौरान फेवर ना करें ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई फेवर मिले उनकी तरफ से, ओके। तो वही सोच के, जो फ्यूचर की बात सोच के, ये किसी को अपने सर्विस टेन्योर के टाइम पे रेड में किसी को फेवर ना करे, इसी वजह से ये जो कंप्लीट बैन किया गया है इनके प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और भी हैं। नेक्स्ट है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो इनके पास ये पावर भी है कि ये पनिश कर सकते हैं उन्हें, ओके। ए हाई कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये हमें पता है, एज लाइक दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दस इट्स एक्शंस एंड डिसीजन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज, इनके एक्शंस डिसीजन के ऊपर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एंड अपोज बाय एनीबॉडी, साथ साथ इसे अपोज भी नहीं किया जा सकता, ओके। द पावर इज वेस्टेड इन ए हाई कोर्ट टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी डिग्निटी एंड ऑनर, ये जो पावर है कि ये पनिश कर सकते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने पर, तो ये पावर इनके जो डिग्निटी, इनके अथॉरिटी, इनके ऑनर को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए दिया गया है ये पावर, ओके। नेक्स्ट है फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, ये अपना स्टाफ खुद अपॉइंट कर सकते हैं, ये फ्रीडम इन्हें दिया गया है, ओके। द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी सर्वेंट्स होंगे हाई कोर्ट के, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं रहता, एंड द सोल पावर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स स्टाफ ऑफ द हाई कोर्ट लाइज विद द चीफ जस्टिस, पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वही खुद के पावर से खुद के डिसीजन लेके अपॉइंट कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ सर्विस, और उनके जो भी कंडीशंस होंगे सर्विस के वो भी हमारे जो चीफ जस्टिस ही डिसाइड करेंगे पर्टिकुलर हाई कोर्ट के, ओके। नेक्स्ट है इट्स ज्यूरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, इनका जो ज्यूरिस्डिक्शन है ये आप रिड्यूस नहीं कर सकते या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, कर्टेल नहीं कर सकते। तो ज्यूरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट इज सो फार दे आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, दैट कैन नॉट बी कंटेंड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि इसे आप रिड्यूस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कर्टेल देम। बेसिकली इन अदर रेस्पेक्ट द ज्यूरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी चेंज्ड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड द
स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि देखिए आप इसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो पावर है पार्लियामेंट के पास भी है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है कि ये इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसे रिड्यूस नहीं कर सकते, दे कैन एक्सपैंड इट, ओके, उसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसे कर्टेन नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये एक फाइनल प्रोविजन है जिसकी वजह से हमारा जो इंडिपेंडेंसी है हाईकोर्ट के वो बनाए रहता है, ओके। इसकी अगर हम बात करें, ये जो इंडिपेंडेंस या फिर कहें हम सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस केस में आपका जो एग्जीक्यूटिव का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, बिल्कुल भी उनका जो इंटरफेरेंस नहीं रहता जुडिशियरी में, इसी वजह से जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट्स या फिर जिस किसी भी कोर्ट्स की अगर हम बात करें वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर सकते हैं, ओके, विदाउट एनी इंटरफेरेंस एंड प्रेशर। द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू टेक सेपरेट द जुडिशियरी, यानी कि जुडिशियरी को सेपरेट रखें फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, ओके, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज से जुडिशियरी को बिल्कुल सेपरेट रखें, एंड दिस शुड नॉट पोजेस जुडिशियल पावर, यानी कि एग्जीक्यूटिव को आप जुडिशियल पावर नहीं दे सकते, ओके, ये जो पावर है इसे पूरे सिर्फ जुडिशियरी के पास रहेगी और इनके ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकती एग्जीक्यूटिव का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। कॉन्सिक्वेंट अपॉन इट्स इंप्लीमेंटेशन द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन केम टू एन एंड, यानी कि इसके जो इंप्लीमेंटेशन होने की वजह से जो एग्जीक्यूटिव का एक जुडिशियल फंक्शनिंग था वो खत्म हो गया, और जो जुडिशियरी का फंक्शन जुडिशियरी ही करेगी, एग्जीक्यूटिव काम या फिर एग्जीक्यूटिव करने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव ही करेगी, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेपरेशन जो है ये इंडिपेंडेंस से बरकरार रखती है हमारे हाईकोर्ट की, ओके। तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का जो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट एंड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।